तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक गुड न्यूज से। काफी सारे न्यूज आर्टिकल आ रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला के घर में उनकी माँ देंगी एक बच्चे को जन्म। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि काफी सारे आर्टिकल छप चुके हैं। और अगली अपडेट निकल के आ रही है वो है बादशाह की तरफ से। और अभी बादशाह का एक इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, इसमें उनसे यो हनी सिंह के बारे में पूछा जाता है और उन्होंने क्या जवाब दिया आप ही खुद ही देख लीजिए। आर देयर स्टिल एनी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ हनी सिंह इन योर हार्ट? तो फॉन्ड मेमोरीज है यार, बहुत चीजें क्रिएट करी, बहुत लोगों के आर्टिस्ट भी थे जिनमें बहुत घमंड था, उनके घमंड भी टूटते हुए देखे, बहुत कुछ सीखा, वो चीजें बहुत बढ़िया। और अब अगली अपडेट निकल के आ रही है वो है कृष्णा की तरफ से। आप लोग विक्की कौशल को तो जानते ही होंगे, उन्होंने अपने स्टोरी में कृष्णा का जूता चपानी सॉन्ग लगाया था। और अगली अपडेट निकल के आ रही है किंग की तरफ से। किंग का भी एक इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें उनसे उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट पूछा जाता है। उन्होंने क्या कहा आप खुद ही देख लीजिए। Another album, another sound that's gonna disrupt the market and mostly hip hop because I think this is the right time. मतलब मैं भी bore हो गया यार, मैं मेरी जाम अच्छी बात है, मेरे ही गाने मुझे पसंद है, but मैं Pablo वाला बंदा हूँ, मैं हूँ नहीं वो बंदा, वो मेरा एक part. अब अगली अपडेट निकल के आ रही है कर्मा की तरफ से। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कर्मा ने फर्स्ट टाइम देहरादून में कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया था। इसी चीज के बारे में उन्होंने वहाँ पर कुछ कहा था कि मेरा घर यहाँ से 20 मिनट की दूरी पे, यहाँ पर पहुँचने में मुझे 10 साल लग गए। मेरा घर यहाँ से 20 मिनट की दूरी है, मेरे घर आने में 10 साल लग गए।